प्रदेश में फैली हुई नोबल कोरोना बीमारी के चलते कई गरीब परिवार जो कि मजदूर भर के हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके खाने पीने को कोई दिक्कत ना हो इसको लेकर भारत सरकार अलग अलग तरीके से प्रयास कर रही है, जिससे कि किसी को भी खाने पीने को लेकर किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। हालांकि शासन प्रशासन हर जगह इस तरह की परेशानी से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने का हर संभव प्रयास कर रहा है। ऐसे ही प्रयासों के बीच पुलिस का भी मानवीय चेहरा सामने आ रहा है, जिससे SI प्रमोद कुमार तिवारी सब इंस्पेक्टर बिजौली चौकी थाना प्रेम नगर जिला झांसी में पदस्थ है। उन्होंने आज से अपनी चौकी क्षेत्र में ही एक रसोई का शुभारंभ क्षेत्रीय सभासद औद्योगिक व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय समाज सेवियों से मिलकर किया, जिसमें जो क्षेत्र के सभी पिछड़े तबके के लोग एवं मजदूर भर के लोगों को दोनों समय का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि किसी को भी किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। दोनों समय भोजन को दूर के स्थानों पर जहां तक गरीब एवं मजदूर व्यक्ति निवास करते हैं अपने प्रयासों से उन तक भोजन पहुंचाए जा रहे हैं, और इधर उधर पलायन कर रहे पैदल चलने वाले लोगों को भी रास्ते में भोजन के पैकेट दिए जा रहे हैं। इस तरह से आज क्षेत्रीय जनता ने पुलिस को बहुत ही मानवीय चेहरा एवं चरित्र को देखा। सारे क्षेत्र में उनके इस काम को लेकर तारीफ हो रही है। प्रदेश की योगी सरकार की मंशा को सार्थक करते हुए दिखाई दे रहा है। झांसी से संवाददाता अरुण गुप्ता की रिपोर्ट।